अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कुकर वाला पास्ता जो कि आजकल बहुत ही वायरल है। तो चलिए देखते हैं इसे मैंने कैसे बनाया है। सबसे पहले मैंने कुकर लिया है जिसमें मैंने तेल ले लिया है। अब इसमें हम डालेंगे प्याज जो कि मैंने बारीक कट कर ली थी। प्याज डालने के बाद इसे हम कुछ देर तक भून लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे मिर्ची, गाजर, अब के पास जो भी वेजिटेबल हो आप उसे डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर प्याज, गाजर, मिर्ची और शिमला मिर्च ऐड किया है। अब इन सबको हम अच्छे से भून लेंगे पहले। अब इसमें हम ऐड करेंगे पास्ता। पास्ता डालकर इसे एक बार आप मिक्स कर लीजिए। फ्लेम को आप यहाँ पर मीडियम करेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे पानी जो कि मैंने 1 कप डाला है। पानी इसमें आप ज़्यादा ना डालिए, पास्ते के बराबर में डालिए। अब इसमें हम डालेंगे नमक। अब इसमें हम मैगी मसाला डालेंगे। मैंने यहाँ पर 1 पैकेट मैगी मसाले का इस्तेमाल किया है। अब इसे हम मिक्स कर देंगे। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे। हम सिर्फ इसे 1 सीटी लगाएंगे और फिर फ्लेम को बंद कर देंगे। तो चलिए हमने फ्लेम को बंद कर दिया, अब इसे हम खोलते हैं। इसमें अभी हल्का पानी है तो इसे हम फ्लेम को कम कर कर पकाएंगे। लगभग इसे मैंने 5 मिनट तक पकाया है। अब ये रेडी है। अब रेडी है हमारा वायरल प्रेशर कुकर वाला पास्ता जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बन गया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपने भी प्रेशर कुकर वाला पास्ता ट्राई किया।